इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1.4 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का द्विघात समीकरण का दूसरे का चौथा नंबर सवाल, जिसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और इसको हमको क्या करना है भाई, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में हमको ला करके छोड़ देना होता है। चलिए देखते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण का चैप्टर नंबर 4.1 चल रहा है एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का, तो दूसरे का चौथा में सबसे पहले हमको देखना है कि माना किसको जाए। तो रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही थी ऐसा प्रश्न में बोला गया था, तो हम मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी कि एक समान चाल कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या हो जाएगा इसका, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। इसी फॉर्मूले के ऊपर हम बनाएंगे, इसी फॉर्मूले के ऊपर ये प्रश्न बनेगा। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले जो बोला गया है प्रश्न उसको हम समझेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। बोला गया है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रहा है, यानी कि जो हमारा जो T1 यहाँ पे निकल के आएगा, टाइम समय जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे हमारे लिए दो समय निकल के आएंगे। आगे देखिए कैसे कैसे है, ठीक है। तो पहला जो है दूरी बटा चाल, ये हमारा पहला हो जाएगा। तो T1 हमारे लिए क्या निकल के आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा कितना है, प्रश्न में ही बोला था कितना दूरी तय करना था, 480 किलोमीटर। और 480 किलोमीटर की जो दूरी है किस चाल से तय करना है, तो चाल हम x किलोमीटर समान चाल मान के चले हैं, तो x। और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन मान के चलिए समझने के लिए कि हाँ 1, ठीक है ना। पुनः दूरी उतनी ही है, यानी कि 480 किलोमीटर ही दूरी है, लेकिन चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है, तो 3 घंटा अधिक समय लगता है। अब सुनिए, अब यहाँ पे T2 अगर आपको निकालना है, यानी कि समय अगर आपको निकालना है, तो समय वही फॉर्मूला तो वही होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला कैसे बदल सकता है। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 किलोमीटर दूरी वही है और चाल को कितना कम किया गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है। अब सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। अगर रेल तेज चलेगी तो गंतव्य स्थान पर आप जल्दी से पहुंचेंगे, अगर रेल धीरे धीरे चलेगी तो आप देर से पहुंचेंगे, ये आपको तो पता होगा ही, ठीक है। तो अब सुनिए, और T1 हमको मिल चुका है यहाँ पे, T2 हमको यहाँ पे मिल चुका है, कोई दिक्कत है, नहीं है। अच्छा अब ये बताइए कि इन दोनों में से किसमें समय ज़्यादा लगेगा, T1 में या T2 में, क्योंकि T2 धीरे धीरे चल रहा है, इसकी चाल कम है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है ना, तो इसमें जो समय है ना अधिक लगेगा और इसमें समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो प्रश्न में कहा गया है कि चाल को अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा किया जाए तब समय पहले की अपेक्षा 3 घंटा अधिक लगेगा। अगर धीमा किया जाए तो समय किसमें ज़्यादा लगने वाला है, तो समय इसमें अधिक समय लगेगा, समय अधिक किसमें लगेगा, T2 में, और समय कम किसमें लगेगा, इसमें लगेगा T1 में। तो हमको क्या कहना है भाई कि प्रश्नानुसार क्या कह रखा है, प्रश्नानुसार कह रखा है कि भाई अगर चाल को एक ही दूरी से तय करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो धीमा किया गया वो वाला जो ट्रेन था ना, 3 घंटा ज़्यादा समय लगेगा सफ़र तय करने में। चलिए तो हम उसको हल करते हैं, तो अधिक समय लेने वाले में से कम समय को घटाना है हमको, तो 480 बटा x माइनस 8 घटाओ, 480 बटा x अगर कर दें और कितना समय अधिक लग रहा है, 3 घंटा। और अगर हम इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो आइए हम इसको हल करते हैं। पहले तो हम LCM लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू का x हो जाएगा। अब सुनिए,
अगर हम x माइनस एट से अगर इसको भागा दें तो x बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 480x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए 8x से अगर x माइनस एट को भागा दें तो केवल x बचेगा, 480 में x से गुना कर ले तो 480x। अब x से अगर हम इसको भागा देंगे तो x तो कट जाएगा, 8 x माइनस 8 बच जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 480 इंटू एक्स माइनस एट इजकल टू 3। अब सुन लीजिए, बटा का एक यहाँ हम अपने मन से रख दें तो इससे क्या होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमको आसानी हो जाएगी, अगला स्टेप लेने में हमको आसानी हो जाएगी। तो करते हैं 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस एट, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, इजकल टू 3 इंटू एक्स माइनस एट इंटू एक्स, यही होगा। अच्छा अब करिए इसको, इसको हल करिए। तो देखिए यहाँ 480x और 480x माइनस एट, पहले तो इसको हल करना शुरू करें, तो 480x माइनस के 480 में x से करेंगे तो 480x, और 480 में 8 से अगर करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3840 इजकल टू 3x, क्या हो जाएगा 3 में x से करिएगा 3x, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, उधर कर लीजिए ना, तो 3 इंटू एक्स में एक से करेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एट में अगर करेंगे तो माइनस एट एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। आगे अगर हम पढ़ें तो 480x, अच्छा इसको हम काट भी सकते हैं, इसको हम काट भी सकते हैं, 480x प्लस में 480x माइनस में, तो इसको हम काट लेते हैं, 3840 इजकल टू, अगर हम इधर गुना कर लें तो ये 3 में एक्स स्क्वायर से, 3x स्क्वायर माइनस 3 में 8 से, तो ये हो जाएगा 24x। ये दोनों हम गुना किए थे, इसको अगर 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, 3 में माइनस के 8x से करेंगे तो माइनस के 24x, ठीक है। अगला स्टेप लेते हैं, अगला स्टेप लेने के बाद हमको पता चलेगा क्या भाई, कि इन पूरे को पलट दिया जाए, क्या किया जाए, पूरे को अगर पलट दे, एक चीज़ करते हैं, ये अगर जो हमारा LHS है अगर RHS में चला जाए, अभी हम 2-3 सवाल पहले भी आपको बताए थे कि फर्स्ट वाला जो पद होगा उसको आप प्रयास करेंगे कि प्लस में ही रहे, ठीक है। तो ये हमारा 3x स्क्वायर माइनस के 24x, और इधर से प्लस माइनस में चला जाएगा तो 3840 हो जाएगा, बराबर में इधर 0, क्योंकि इधर तो LHS में कुछ बचेगा नहीं। अब टोटल को हम पलट देंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840 बराबर 0, और यही तो हमको चाहिए था, हमारा द्विघात समीकरण ये हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में हमने ला दिया इसको, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4.1 ख़त्म हो गया, अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4.2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।